में से हर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर तथा यंग एडवोकेट कलीग यह जानता है कि केस को जीतना है तो गवाह को तोड़ना होगा। गवाह के झूठ को पकड़कर यह बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर दर्ज करवानी होगी। क्रॉस में लिखवाना होगा कि पुलिस आईओ को क्या बताया था और अब आकर यहाँ कोर्ट में क्या बता रहे हो। ट्रायल जज को अब आपकी बात सुननी ही पड़ेगी, वह विवश हो जाएंगे क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के हक में यह डिसाइड करके कानून में लिख दिया है, नया कानून बना दिया है। इस तरह से हम आज यह सीखने वाले हैं इस वीडियो में, पहली बात कि सेक्शन 161 सीआरपीसी का पुराना कानून अब बीएनएसएस में क्या कहलाया करेगा। बीएनएसएस माने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा पॉइंट है सेक्शन 161 सीआरपीसी के पुराने कानून का अब नए बीएनएसएस में कैसे फायदा मिला करेगा। तीसरा पॉइंट होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सेक्शन 161 सीआरपीसी पर जो नया कानून बनाया था वह बीएनएसएस के भीतर भी लागू रहेगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने, यह लास्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में क्या कानून आरोपियों के लाभ के लिए बनाया है, इससे आरोपियों को कैसे लाभ मिलेगा और क्या यह बीएनएसएस के भीतर भी लागू रहेगा लाभ, इन्हीं चार पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम देखने और समझने वाले हैं। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए संहिता कानून लागू हो गए हैं। इन संहिता कानूनों में कुछ पुराने कानूनों को जस का तस प्रयोग कर लिया गया है, हालांकि इससे जो पुराने कानून थे अब उनका नया नंबर कानून में आ गया है। जैसे पहले पुराना 161 सीआरपीसी हुआ करता था, इसको बिना किसी बदलाव के बीएनएसएस में भी लागू कर दिया गया है और बीएनएसएस में इसका नंबर बदलकर अब यह सेक्शन 180 बीएनएसएस बन गया है। हालांकि इसका हर शब्द वही है जो पुराने कानून सीआरपीसी में हुआ करता था, इसलिए इसका फायदा यह होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी पुरानी नजीरें होती थी, जितने प्रेसिडेंट्स होते थे, जितनी अथॉरिटीज होती थी जो पुराने सेक्शन 161 सीआरपीसी के विषय में होती थी उस पर आरोपियों को लाभ देती थी, वे सब की सब अब सेक्शन 180 बीएनएसएस में भी उनको पढ़ा जाएगा, यथावत रूप से लागू रहेंगी और आरोपियों को लाभ देगी। आपने बहुत सारे केसेस में ऐसे गवाह देखे होंगे जो कहते हैं कि आईओ को तो हम कुछ भी बताएंगे नहीं, जो भी बताएंगे अब कोर्ट में बताएंगे, हमें कोर्ट पर यकीन है। उन गवाहों को ऐसा लगता है कि ये पुलिस आईओ तो छोटा अफसर है, इसे क्या बताएं, कोर्ट बड़ा संस्थान होता है तो हम तो जो भी बताएंगे वही बताएंगे। परंतु इस प्रकार के जो गवाह होते हैं यह नहीं जानते कि ऐसा करना उसके लिए और उसके केस के लिए बहुत घातक बात होने वाली है। भारतीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आरोपित घटना से संबंधित कोई बात पुलिस आईओ को तो बताई ना जाए और जाकर सीधी कोर्ट में बता दी जाए। यह केवल तभी संभव है जब पुलिस आईओ बीच में ना हो, जैसे कि आप अपनी कंप्लेंट की शिकायतें डालते हैं कोर्ट में। 200 सीआरपीसी के तहत हुआ करता था तो उस प्रकार की व्यवस्था में तो यह चल जाता है, लेकिन जहां पुलिस बीच में आ गई वहां आपको यह बात पहले पुलिस को बतानी होगी और फिर कोर्ट को बतानी होगी। पुराने कानून के अनुसार यदि कोर्ट बयान में कोई बात 161 के बयान से अधिक बताई गई है तो यह विरोधी पक्ष ऐसी अधिकता वाली बात को सेक्शन 162 सीआरपीसी में कॉन्ट्राडिक्शन साबित करेगा और गवाह को कन्फ्रंट करेगा। यह सेक्शन 162 सीआरपीसी अब नए कानून बीएनएसएस में बदलकर 181 बीएनएसएस कहलाया करेगा, नंबर बदल गया है, बदलकर वे बढ़ा चढ़ा कर कही हुई आपकी बात का प्रभाव अब शून्य हो जाया करेगा। यह कानून उन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था जो लोभ में, लालच में, दुश्मनी में, भूल में या अन्य गलत किसी मंशा में आरोपी के खिलाफ रोज बदल बदल कर आरोप लगा देते हैं कि कैसे भी करके इस आरोपी को जेल भिजवा जाए, इसको सजा करवाई जाए। इस 161 के बयान के संबंध में या 180 बीएनएसएस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2024 में एक युगांतरकारी निर्णय दिया है। जितना साफ इस निर्णय में लिखा गया है ऐसा पहली बार हुआ है। इस निर्णय ने पीड़ा पहुंचाने वाले, जिनको सैडिस्ट कहते हैं, सैडिस्ट जजों व प्रोसिक्यूशन गवाहों के ऊपर कानून का अंकुश लगा दिया है। इस केस का नाम है दर्शन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, क्रिमिनल अपील नंबर 163 ऑफ 2010 है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने
इसे अभी 4 जनवरी 2024 को डिसाइड किया है। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस सुविधा के इच्छुक साथियों की संख्या को देखते हुए हमें इसको समय के अनुसार फिक्स करना होता है। आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आरोपी दर्शन सिंह व रानी कौर के बीच में विवाहित संबंध थे। उनका आरोप था, यह भी आरोप था कि उन्होंने एक नियत होकर 18-19 मई की दरमियानी रात को, जो 1999 में थी, उस दिन दर्शन सिंह की पत्नी अमरीक कौर की जहर देकर हत्या कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने पूरा केस सुना, दोनों को दोषी पाया और उनको सजा सुना दी। सजा का आधार था कि PW3 और PW4 ने दबकर बयान दिए थे। PW3 जो मरने वाली थी अमरीक कौर, उसके रिश्ते की बहन थी, और PW4 इस PW3 का पति था। अपील के दौरान हाई कोर्ट ने केस को और गौर से देखा और जो रानी कौर थी, दूसरी अभियुक्त थी, उसे अमरीक कौर की मृत्यु के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन दर्शन सिंह को कोई रिलीफ नहीं दिया, तो दर्शन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर। जब सुप्रीम कोर्ट ने PW3 और PW4 के बयानों की जांच परख की, तो यह पाया कि दोनों गवाहों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जांच के दौरान आईओ को नहीं बताई थी। आपको याद है ना कि इसको कैसे पूछते हैं? इसको हमेशा पूछते हैं कि देखिए साहब, आपने कोर्ट में यह बात बताई, क्या आपने यह बात आईओ को भी बता दी थी? और गवाह हाँ कहे तो बयान उसके सामने रख देते हैं कि देखिए साहब, ये आपके बयान है, बताइए कहाँ बताई थी। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार 18-19 मई की रात को आरोपी दर्शन सिंह और उसकी जो प्रेमिका थी रानी, वे दर्शन सिंह के घर में देखे गए थे। रात को मृतका अमरीक कौर को एल्यूमिनियम फॉस्फाइड नाम का जहर दिया गया था। ये आमतौर से गांवों में मिल जाता है, चूहे वगैरह मारने के काम में वहां लिया जाता है। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार सुबह के समय दर्शन सिंह और रानी को गांव से बाहर जाते हुए भी देखा गया था। जब गवाह PW3 का क्रॉस किया गया, तो डिफेंस काउंसिल ने उसको अनेक पॉइंट्स पर कन्फ्रंट किया। आपको याद है ना कन्फ्रंटेशन क्या होता है? जब कोई गवाह अपने 161 के बयान में कोई बात पुलिस को ना बताए, लेकिन कोर्ट में आकर उस बात को बयान करे, तो डिफेंस काउंसिल उसका ध्यान उसके पुराने बयान 161 पर दिलवाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, आपने यह बात पुलिस आईओ को नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी यदि गवाह कहे कि बताई थी, तो बयान उसके सामने कर देते हैं कि दिखाओ कहां बताई थी। यह तरीका गवाह की कन्फ्रंटेशन का तरीका कहलाता है। डिफेंस काउंसिल ने PW3 को कन्फ्रंट किया, तो पता चला कि उसने आईओ को यह कभी नहीं बताया था कि क्या नहीं बताया था, उसने तीन बातें कभी नहीं बताई थी। पहली, उसके पति ने उसको यह बताया हो कि घटना वाली रात को दर्शन व रानी दोनों को दर्शन के घर में देखा गया था। दूसरा पॉइंट, उसने खुद दर्शन व रानी दोनों को अगले दिन सुबह 19 मई की सुबह तड़के उसी घर में देखा था। और तीसरा पॉइंट जो कन्फ्रंटेशन का था, वो ये था कि रात को उसके पति ने उसको दर्शन के घर में जाने से रोका था, क्योंकि तब उस समय रात बहुत ज्यादा हो गई थी। लेकिन उसने ये तीनों की तीनों बातें जो कन्फ्रंट की थी डिफेंस काउंसिल ने, ट्रायल कोर्ट को आकर बताई थी और ये कहा था कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। उसने ट्रायल कोर्ट को यकीन दिलवाया था कि दोनों आरोपी दर्शन व रानी रात को एक साथ दर्शन के घर में मौजूद थे। रात को घटना घटित करने के बाद वे सुबह बखत तड़के गांव से बाहर चले गए थे, और उसके पति PW4 के 161 के बयानों में भी पुलिस आईओ को ये बातें नहीं बताई गई थी, लेकिन उसने कोर्ट में आकर बताई थी। पति पत्नी PW3 और PW4 दोनों ने जो बातें कोर्ट में बताई थी, वे बातें पुलिस आईओ को जांच के दौरान नहीं बताई थी। इसका मतलब यह था कि इन गवाहों ने पुलिस के सामने कुछ अलग बात कही थी और बदल कर व बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातें कोर्ट में कही थी। पुलिस आईओ को अलग बात बताई, कोर्ट को अलग बात बताई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के पैरा 26 में बिल्कुल साफ साफ कानून को लिख दिया इस बार अपने जजमेंट में, ताकि कोई भी संबंधित व्यक्ति गलती ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा वह वैसे तो हम आपको स्क्रीन पर सामने दिखा रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसलिए उसका मतलब हम यहाँ आपको बोलकर सुना देते हैं। इसमें लिखा है, यदि प्रोसिक्यूशन गवाह अपने बयान 161 में आरोपी के अपराध के संबंध के बारे में नहीं बताते हैं,
तो उसी आरोपी पर लांछन लगाने वाले उन गवाहों के कोर्ट बयानों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया जाएगा जिस गवाह ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात ना बताई हो उस बात को कोर्ट बयान के आधार पर साबित करने की प्रोसिक्यूशन को इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस बात को लेकर उस गवाह के एविडेंस का कुछ भी महत्व नहीं रहेगा। कितना सुंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यह कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, पुराने समय से सुप्रीम कोर्ट का यही मत रहा है कि जो कहना है पहले पुलिस आयोग को बताओ फिर वही बात आकर कोर्ट में बताओ। यदि आप पुलिस आयोग को नहीं बताओगे और कोर्ट में बताओगे तो हम आपकी बात का कोई महत्व नहीं मानेंगे और ना ही उसके आधार पर किसी बात को साबित करने दिया जाएगा, वह बात कन्फ्रंटेड हो जाएगी। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने चार निर्णय भी बताए जिनमें यही बात पहले भी बताई गई थी। आप चाहें तो यहाँ रोक कर इन चारों केसेस का नाम नोट कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला केस था रोहतास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दूसरा था सुनील कुमार संभू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा था रुद्रप्पा रामप्पा जैनपुर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, चौथा था विमल सुरेश कामले वर्सेज चालुवेरा पिनाकी। अब यहां से आप समझ सकते हैं कि हम इंडियन लीगल सिस्टम वाले अपने क्रॉस में हमेशा यह बात क्यों पूछते हैं कि यह बात तो सही है ना कि आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आयोग को यह नहीं बताया था कि, और जो भी सवाल होता है हम पूछते हैं। यह हम ऐसा इसलिए पूछते हैं ताकि कोर्ट रिकॉर्ड पर आए हुए हर बात को जो गवाह ने बताई है उसे पहले से 161 के बयान में बताया हुआ पुष्ट होना चाहिए। यदि गवाह ने अंतर कर दिया कि 161 के बयान में नहीं बताया लेकिन कोर्ट में बता रहा है तो उसकी वह बात यहाँ इस प्रकार सेक्शन 162 में हिट हुई मानी जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में कहा है। यह इसी कन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्राडिक्शन को करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लगातार निर्णयों में बताया है हम ऐसा पूछते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम का क्रॉस आपको इसी तरह से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार क्रॉस करने की तरकीबें बताता है। ये तरकीबें आपकी सजा को हटाकर आपको जीवन दान देती हैं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वेशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान ना कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।